नमस्कार, आप देख रहे हैं इतिहास के पन्नों से यूट्यूब चैनल। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। आज हम देखेंगे प्रेसिडेंट बराक ओबामा का भाषण। प्रेसिडेंट बराक ओबामा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 44वें प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट बनने के कुछ समय बाद ही उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने अपने स्वीकृत भाषण में दुनिया की शांति के बारे में कहा। उन्होंने अपने मिशन के बारे में बताते हुए कहा कि वे दुनिया और अपने देश में शांति का निर्माण करना चाहते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं बराक ओबामा का हिंदी में अनुवाद किया गया भाषण। मैं इस सम्मान को बड़ी कृतज्ञता और नम्रता के साथ स्वीकार कर रहा हूँ। अवार्ड ही हमारी अभिलाषा को बढ़ाते हैं। आखिर में हमारे काम मायने रखते हैं। हमारे काम ही इतिहास को न्याय की दिशा में ले जाते हैं। विवादों को जैसे तुम्हारे उदार निर्णय ने ठीक किया है, यदि उसे मैं स्वीकार नहीं करता तो मैं निश्चित आलसी हूँ। बल्कि यह सब इसलिए है क्योंकि मैं अभी शुरुआत में हूँ और न कि अंत में। मेरे सहकर्मी आज जागतिक स्तर पर जा पहुँचे। यदि इतिहास में जिन महापुरुषों को यह पुरस्कार मिला उनसे मेरी तुलना करो तो मेरी उपलब्धि बहुत छोटी और कम है। दुनिया में ऐसे कई इंसान और महिलाएं हैं जो न्याय को पाने के लिए जेल तक जा चुके। कुछ लोगों ने मानवता के निर्माण के लिए कठिन परिश्रम तक किया। कुछ लोगों ने अपने विचारों से ही लाखों असफल लोगों को प्रेरित किया है और हिम्मत बढ़ाई है। लेकिन मेरे हिसाब से यह पुरस्कार मेरी झोली में इसलिए आया क्योंकि मैं 2 मुख्य युद्ध के दौरान देश का कमांडर इन चीफ था और मैंने युद्ध के दौरान भी देश में शांति बनाए रखी। मैं आज युद्ध के कारणों का उपयुक्त सुझाव साथ लेकर नहीं आया हूँ। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैंने उस समय केवल कठिन परिश्रम कर मीटिंग का आयोजन किया था और ऐसा करने के लिए आज मुझे कठिन परिश्रम करने वाले एक दशक पुराने साहसी इंसानों और महिलाओं की जरूरत होगी। युद्ध के दौरान हमें नए सिरे से सोचने की जरूरत होती है ताकि हम देश में शांति बनाए रख सके। अब मैं उन 3 राष्ट्रों के बारे में बताना चाहूंगा जिन्हें मैंने युद्ध के दौरान बनाया और शांति स्थापित की। सबसे पहले मैंने उन देशों के साथ सौदे किए जो नियम और कानून तोड़ते हैं। यदि हम देश में शांति चाहते तो मेरा मानना है कि हमें हिंसा के विकल्प विकसित करना चाहिए ताकि हम अपने व्यवहार को बदलने में सक्षम हो। ऐसा करने पर ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हम आकर्षित कर पाएंगे। वह शासन पद्धति जो नियमों को तोड़ती है उसे हमें जिम्मेदार मानना चाहिए। मंजूरी भी सही और वास्तविक कीमतों पर ही आधारित होनी चाहिए। यही बात मुझे दूसरे पॉइंट तक ले गई, शांति का स्वभाव जिसे हम ढूंढते हैं। शांति के लिए दिखाई देने वाले संघर्ष का अभाव जरूरी नहीं है। जन्मसिद्ध अधिकारों और हर इंसान की गरिमा पर आधारित शांति भी लंबे समय तक बनी रह सकती है। बहुत ज्यादा समय बीत जाने के बाद अक्सर ये शब्द लोग भूल जाते हैं। कुछ देशों में गलत सुझाव देकर मानवीय हकों का समर्थन किया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि यह सब पश्चिमी तत्व है और उन्हें अपनी स्थानीय संस्कृति के अनुसार देश का विकास करना चाहिए। तीसरा, शांति में सिर्फ नागरिक और राजनीतिक अधिकारी शामिल नहीं है बल्कि इसमें आर्थिक सुरक्षा और अवसर भी शामिल है। असल में वास्तविक शांति के लिए सिर्फ डर से आज़ादी नहीं बल्कि इच्छाओं को भी आज़ादी चाहिए। धन्यवाद। बराक ओबामा इस भाषण को देने के बाद से ही 21वीं शताब्दी में यूनाइटेड स्टेट में हो रहे गलत कामों को सकारात्मक रवैये के साथ करने लगे थे और देश में शांति विकसित करने के लिए उन्होंने कुछ सकारात्मक कदम भी उठाए। इस भाषण को देने के बाद यूनाइटेड स्टेट के लोगों का नजरिया उनके प्रति बदल गया था। अब वे अपने प्रेसिडेंट को और भी ज्यादा चाहने लगे थे। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो सुनने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कुछ मुझे बताना चाहते हैं तो कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। धन्यवाद।